सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपनी सही कर्म के कारण। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम दोनों को एक साथ कर दे तो कितना अच्छा होगा। बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और माता पिता को बच्चे मिल जाएंगे। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। आज का पंचांग 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 12:06 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:28 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 7 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, दुनिया अभी आपके लिए बेहद प्यारी है। यह पल आपके लिए समृद्धि भरी है क्योंकि आप आर्थिक लाभ और अपने दोस्तों के साथ का मजा ले रहे हैं। अपने घर के मामलों को नजरअंदाज न करें क्योंकि अपनी संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज मित्रों और परिचितों से मिलने का सुनहरा मौका है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होते हैं। देखभाल दूरी बिछड़ने या समय के साथ भी मित्रता को जीवित रखती है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीतता। अगर प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिल रहा है तो उसे तुरंत हासिल करें। उनके माध्यम से कुछ खास जानकारी भी हासिल होगी। घर के नवीनीकरण या बदलाव संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होगा। आप पूरे मन योग से घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने का प्रयास करेंगे। जीवन में जैसे जैसे समस्या आएगी उसी प्रकार से उनका हल भी मिलेगा। समस्याओं के बारे में विचार करने से आप खुद को नकारात्मक ना बनने, नई बातों पर ध्यान दें। आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर आपको जल्द ही प्राप्त होगा। एक से अधिक पैसा कमाने के स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रिलेशनशिप की चिंता छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। सावधानियां, अनावश्यक खर्चों की वजह से बचत गड़बड़ा सकती है। साथ ही नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से कार्यों में व्यवधान भी आएंगे। उनकी अवभगत के साथ साथ अपने कार्यों पर भी फोकस रखें। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। बेझिझक आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई खास दोस्त या सहयोगी आपके करिश्मे के कारण आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बड़े भाई बहन आपके प्रेम संबंधों के विकास में सहयोग देंगे। अपने पार्टनर को अपने प्यार और केयर का हर संभव तरीके से एहसास करें। एक दूसरे की देखभाल करना सफल मित्रता की चाबी है और प्यार का दूसरा नाम है। अपने दोस्तों और साथी पर पूरा ध्यान रखें क्योंकि वो आपके जीवन की अहम कड़ी है। आज नए संबंधों के बनने का भी योग है। बात करते हैं करियर की। दोनों के साथ मस्ती करने के लिए आज का समय अच्छा है। आवेग में आकर इस समय आप रिश्ते को तोड़ सकती हैं। व्यापार में भी लाभ की संभावना है। काम से बाहर भी आपके सितार बुलंदी पर हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी शुभचिंतक की राय अवश्य लें। आज आपको पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा जिससे जीवन में नयापन आएगा। जिन लोगों के आप ज्यादा करीब हैं उनसे संबंध आगे बढ़ें। देखभाल करना दोस्ती को जीवित रखने का सबसे पहला चरण है। जितना हो सके लोगों से बातचीत करें और खुद को अपडेट रखें।
अच्छे संबंध नया नजरिया भी प्रदान करती हैं। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा और कुछ नए अनुबंध भी मिल सकते हैं, लेकिन अपनी योजनाएं सीक्रेट ही रखें। कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लोन लेने से परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। बात करते हैं सेहत की। संयमित रहें। अनियमित दिनचर्या और खान पान का स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होगा। आपसी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। पेट संबंधित तकलीफ होने की संभावना है। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।